बात है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग में हम क्या स्टोर में लेने आ गए तो अभी आप लोगों से बता रहे हैं, और हम डर रहे थे छिपकली से। वैसे भी हमारे साथ एक हादसा हो गया, जब हम झाड़ू पोछा भी कर रहे थे ना नीचे, तो छिपकली हमारे सामने किचन में आ गई। फिर भी किसी तरह झाड़ू से पानी से हटाए हैं, क्योंकि किसी भी जीव को सुबह सुबह से मारना नहीं चाहिए। इतना छिपकली से डरते हैं, जितना डरते हैं ना उतना ही वो हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन अभी तो हमको यहाँ पर छिपकली नहीं मिली है, और हम क्या ले रहे हैं तो आप लोगों से बता दिया है। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, और आज ना मॉर्निंग वॉक करके आए हैं। वैसे हमको याद आ गया, कल हमारे ना नंदोई जी आए हैं, तो उनका कहना है कि भाभी घुघरी बनाइए चना गेहूँ की, जैसे आप भिगो करके बनाते हो। तो हमको याद आ गया, गेहूँ तो ऊपर ड्रम में स्टोर में रखा है, तो हमने सोचा ले आते हैं, नहीं फिर से दिमाग से हट जाएगा। छोटे छोटे ना गेहूँ में लग गए हैं पापे। वैसे ना हमको गेहूँ धुलना है, देखिए किस दिन धुलते हैं। और जैसे कि दिन है आज गुरुवार, तो शाम को ही सब कपड़े धुल करके डाल दिए गए थे, जितनी बेड शीट वगैरह हैं, और इसको भिगो करके रख देंगे। जब बनाएंगे ना तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम घुघरी कैसे बनाते हैं। सूरज भगवान भी दिखने लगे हैं, देखिए दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, हम भी कर रहे हैं। और यहाँ ना टावर लगा है ना, इसकी वजह से ना हम बहुत ही कम छत में आना जाना होता है। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी छत में डालने आते हैं। और आजकल ना हमारे बालों का ना कलर निकल गया है, यानी वाश मोल तेल लगाते हैं, तो इधर ना 2-3 दिन से मार्केट भी नहीं जा पा रहे, और इनसे बोलते हैं कि ले आइए, लाते भी नहीं। आगे आगे के ना यहाँ के बहुत वाइट हो गए हैं, पीछे के ब्लैक है, लेकिन इधर के बहुत ही वाइट है। तो जल्दी चलते हैं, पहले करते हैं, नहीं तो टाइम हो रहा है, और जल्दी काम हो जाते तो अच्छा रहता, हड़बड़ी भी नहीं रहती है। छत में आ जाओ ना तो जाने का मन नहीं करता, लगता थोड़ी देर यहीं बैठो, बहुत सुकून मिलता है। सो गाइज, घुघरी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक कटोरी हमने लिया है काला चना, 2 कटोरी हमने लिया है गेहूं, और ये गेहूं ना हमारा धुला हुआ नहीं, इसीलिए भूसा भूसा सा दिख रहा है। तो 2-3 पानी से हम अच्छे से धुल लेंगे। वैसे हम रात में भिगो करके रख दिए होते ना तो और सही से हमारे मतलब घुघरी पकने में ज़्यादा टाइम ना लगता, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट के लिए भिगो देंगे तो अच्छे से फूल जाएंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं बाहर की धुलाई, क्योंकि बाहर हम नहीं मॉर्निंग में जल्दी धुल पाते हैं, यहाँ ना पानी 6:30 बजे के बाद ही आता है, तो थोड़ी धुलाई करने इसके बाद जल्दी नहाते हैं। बच्चों के लिए पहले टिफिन तैयार। हम आ गए किचन में, और इन लोगों के लिए ना आज हम बना देते हैं पूरी सब्जी। तो ऐसे सब्जी हमने बनाया शिमला मिर्च आलू टमाटर की, लेकिन बच्चों को जल्दी नहीं पसंद आती। कृष्णा तो खा लेते हैं, बट मनु बहुत ही नखरे करते हैं, कहते हमारे लिए भुंजड़ू आलू की सब्जी बनाओ, और इनको ना एक कुकर में लुटपुटी वाली सब्जी इनको बहुत पसंद है। तो हमने धनिया की पत्ती डाल दी, अब देखते हैं। मनु बहुत गुस्से में है और कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। हमने कहा बेटा गुस्सा मत हो, जब दोपहर में आओगे ना तो कुछ ना कुछ मनपसंद चीज़ें बना देंगे। तो कह रहे हैं हमारे लिए समोसे बना करके रखना। तो हम इन लोगों के लिए ना पहले लोटा सजा करके रख देते हैं मंदिर का, और जैसे ही तैयार होकर के आते हैं ना, अगर लोटा सजा देख लेते हैं तो सोच लेते हैं कि हमको मंदिर जाना है। अगर एक दिन लोटा ना सजा के रखे ना तो मंदिर नहीं जाते, लोग भूल जाते। वैसे इन लोगों को हम सिखाते हैं कि खुद लोटे में अपना सब कुछ सजाएं। इन लोगों को बनाना शेक दे दिए हैं, कृष्णा तैयार हो रहे हैं, गोविंद आज स्कूल नहीं जाएंगे, अब बच्चे गए स्कूल तो हम जल्दी ये। तो पहले ना हम घुघरी ही रख देते हैं पकने के लिए, और आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। वैसे हमारे मायके में ना तो इसको घुघरी बोला जाता है, क्योंकि इसको पकने में ना पूरा 15-20 मिनट लग जाएंगे। और पीछे एक स्टैंड आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे डिब्बे हैं, बर्तन की डलिया है, तो कभी ना वो भी वीडियो में दिखने ही लगती है। और होता है किचन में ना सब इतनी गृहस्थी रहती है, फिर भी हम इधर उधर इतना हटाते रहते हैं कि छिपकली से हमको बहुत डर लगता है। और ज़्यादा ही जितनी गृहस्थी रहती ना सब कबट के अंदर ही रखते हैं, फिर भी छिपकली किचन में कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो इधर हमारी घुघरी। गुरुवार का फास्ट तो हम नहीं करते, मीना ही करती हैं, लेकिन गुरुवार वाले दिन ना चने और गुड़ का भगवान जी को भोग जरूर लगाते हैं। तो हमने इसीलिए डिब्बा निकाला, भगवान जी का भोग तैयार किया, और हमको याद आ गया कि हमारे नंदो जी को ना फरे बहुत पसंद है। जैसे कि अभी कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा पनबुड्ढे, तो चाहे पनबुड्ढे की तरह बनाएंगे चाहे फरे भाप में बनाएंगे, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। तो एक कटोरी हमने लिया है चावल, और एक कटोरी हमने लिया है चने की दाल, अब हम भिगो देंगे। और वैसे इसकी रेसिपी ना आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम ना शाम को बनाएंगे 5:30-6 बजे, और सब लोगों को ना सिरका और चाय के साथ ही खिलाएंगे। वैसे भी ना अगर चावल डाल करके बनाओ ना तो ये फरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा की थाली भी तैयार हो गई, और आज ना हम पूजा नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ी लेट भी हो गए थे ना,
वैसे तो आज के दिन ना तो कपड़े धुलते हैं ना ज़्यादा पोंछा लगाते हैं, फिर भी अपना मन कहाँ मानता है, थोड़ी बहुत तो काम साफ़ सफाई के करना ही पड़ता है। तो आराम से बैठ करके ना जब बच्चे चले जाते हैं, मन करता है कि विष्णु भगवान की कथा तो नहीं कहते हैं पर जो केले का पेड़ है, तुलसी मैया का पेड़ है, यहाँ बैठ करके 10-15 मिनट आराम से अपना मंत्र भी जपते रहते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहते हैं, भोले बाबा की प्रार्थना अभी थोड़ी सी आप लोगों को सुनाएंगे। हम कह रहे हैं नमामि ईशमीशान, वैसे पूरा नहीं सुनाएंगे, थोड़ी सी क्लिप सुनाएंगे क्योंकि काफ़ी बहने हैं ना, ज़्यादा पूजा पाठ का कहाँ सुन। वैसे हम तो कहेंगे कि जैसे हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, इसीलिए ना हम लोगों को ना भगवान जी के लिए भी 5-10 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा फूल हो, प्रसाद हो, आप लोग मंदिर जाओ, लेकिन अगर घर में ही भगवान है, तुलसी मैया का वृक्ष है और मंदिर में भगवान है, तो आप लोग ज़रूर 5-10 मिनट हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। इतनी शांति मिलती है कि वाकई कितने भी आपके दुख दर्द होंगे सब दूर हो जाएंगे। तो हम ना नमामि ईशमीशान कह रहे हैं, थोड़ी सी आप लोगों को भी सुना रहे हैं। तुर्विनाथम भजामि विचन्नम प्रगष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजनिभानि कोटि प्रकाशम हिल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिं भाविजन्न कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सज्जिदानंद दादा पुरारी चिदानंद रही भुलाय तेहि परि क्रोध न करी त्रिभु कृपा सिंध भगवान शंकर दीन दयालु अभि यही पर हो कृपा सापे नु गृह जहि नाथ तोरि हो लखन सियाराम जय जय राम सियावर उमापति लखन सियाराम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय सभी देवताओं की जय सभी संतों की जय सभी ऋषियों की जय राधा कृष्ण परमेश्वर की। तो हम ना कटोरी में चावल जो धुल करके लाते हैं भोले बाबा को चढ़ाते हैं, हम थोड़ी ज़्यादा लाते हैं और यहाँ पर ना बाउंड्री में डाल देते हैं, तो चिड़िया इतनी आ जाती हैं चूं चूं करके इतना चावल खाती हैं, डेली आधी कटोरी चावल अपने चिड़ियों को खिलाते हैं। तो अब अपनी माता रानी का मंदिर भी सजा देते हैं गुड़हल के फूलों से, और ये इस समय ना तो सीजन चल रहा है गुड़हल के फूलों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं और मालिन भी ले आती है। तो आप लोग भी दर्शन करिए मंदिर के, और इसके बाद फिर हम थोड़ी से यहाँ पर जप तप करेंगे, इसके बाद फिर से लग जाएंगे किचन में। तो हम बहनों के कुछ ऐसे ही काम होते हैं कि जो हाउसवाइफ है ना उन लोगों के यही काम है, जो ऑफिस वाली हैं वो सुबह सुबह अपना करके कितनी जल्दी निकल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी घूरी पक गई है, आप लोग भी आ जाइए। और मसाला तो हम नहीं पीस पाए हैं, लेकिन जो मसाला मतलब सादा नमक है ना उसी में काम चला लेंगे। और हमारी ना कुछ आदत है कि जैसे ही हम कोई खाना बनाएंगे या जूठे बर्तन होंगे तो तुरंत साफ करके रख देंगे, इस तरह में ना बर्तन का ज़्यादा वो भी नहीं होता है, और जब ज़्यादा इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं ना तो इतनी उलझन होने लगती है कि ये बर्तन हम कैसे साफ़ करें। इसलिए थोड़ी थोड़ी बर्तन अगर साफ़ करते रहो ना, किचन अपना साफ़ करते रहो, और देख सकते हैं हमारे नंदोई जी आ गए रूम में, तो नंदोई जी को देख करके ना क्या हालत हो गई हमारे किचन की, बहुत बड़ा हादसा हो गया। और अक्सर होता है कभी चाय है कभी दूध है, तो आज है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग कहोगे कि हमेशा दीदी आप कहते हैं हमेशा दूध नहीं बॉयल होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत अक्सर हो जाता है। शाम को जब ये आ जाएंगे ना बैठ करके हम लोग चाय पीने लगते हैं और इधर दूध रख देते हैं, तो हमेशा ऐसे ही बॉयल हो जाता है। आलू हम रख देते हैं पकने के लिए, और क्योंकि बच्चों की भी तैयारियां करते जा रहे हैं, टाइम भी 10:30 बज रहे हैं, और जैसे ही लोग 1:30-2 बजे तक आ जाते हैं तो समोसा भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय बन गई है अदरक वाली, आप लोग भी आ जाइए, और घुघरी भी निकाल लिए हैं। तो चलिए सब लोग बैठते हैं, और हमारे नंदोई जी को बुला रहे हैं कि भाभी जी आप क्या कर रहे हो जल्दी आओ। तो सासू माँ को भी चाय दे आए हैं, और चलते हैं हम रूम में, थोड़ी देर बैठते हैं अपने नंदोई जी के पास, देख सकते हैं। और हमसे पूछ रहे हैं कि भाभी जी आपने टीवी वाला जो लगवाए हैं कहाँ से लगवाया है, कैसे क्या, वैसे कांच हमने लगवाया है, और ये ना हमारा ही दिमाग है क्योंकि टीवी छोटी थी और दीवार में ना जब से पेंट हो गया ना तो छोटी टीवी थोड़ा अजीब सी लगती थी, लेकिन ये ब्लैक कलर का हमने कांच लगवा लिया ना तो उससे थोड़ी सी मतलब शोभा अच्छी बढ़ गई। वैसे हमारा शोभा
नाम भी है, इसीलिए ना थोड़ी से हमारे बिना ना पूरे कॉलोनी की शोभा मतलब शोभा नहीं रहती। तो कुछ होता है, नाम का असर तो होता ही है। अपनी प्रशंसा अपने आप से नहीं करना चाहिए, आप लोग खुद ही हमारी प्रशंसा करते हो तो हम क्या करें। और यहाँ पर ना नाश्ते कुछ बर्तन थे तो वो भी हमने साफ़ कर लिया। अब बेड शीट वगैरह सही कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं ना तो पूरा उथल कूद ऐसे ही करके चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद ना बेड शीट है, इनकी बुक कापी हैं, जितने कपड़े हैं, कभी भी अपने घर के कपड़े ना इधर उधर नहीं पड़े रहना चाहिए। पूरे घर के कपड़े हैं, हर एक सामान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहिए, तभी अपना घर अच्छा दिखता है और तभी लक्ष्मी जी का वास भी होता है। आपकी दीदी ना पूरी अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हैं। तो अंदर के रूम हमने सब मेंटेन कर दिया, अब आ गए हम फिर से किचन में। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मैदा, वैसे भी मैदा है, बेसन है, इस सीजन में हम ज़्यादा जब होता है ना तो हम फ्रिज में डाल देते हैं। और देखिए ना कितना भी योगा करते हैं ना, ये हाथ की भुजाएँ ना हमारी कम नहीं हो रही हैं, पूरी दारा सिंह दिखते हैं हाथों से। और इस फ्रॉक की ना थोड़ी सी मतलब है आस्तीनें छोटी है ना, इस वजह से वैसे ना हमको छोटी आस्तीनों वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ना हम जो ब्लाउज डालते हैं ना थोड़ी सी आस्तीनें ऐसे रहते हैं। अब ना हम मोहन डाल करके मैदा को गूंद करके रख देते हैं। अब ये करते करते 11:30 बज गए और आज भी किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई किए हैं, कुछ अचार है, नमक तेल, जैसे कि मसालदानी में मसाला भी हमने रखा, तो ये सब हमारे दोपहर के काम रहते हैं, क्योंकि सुबह से ना इतनी हड़बड़ी रहती है। तो यहाँ पर हम तल रहे हैं आलू, जैसे कि हमको बनाना है समोसे, तो समोसे के लिए आलू हमको कैसे तलना है, पहले हमने कड़ुआ तेल डाला है। और जीरा से कभी ना आलू तलिए, आप ना तलिए सौंफ से, सौंफ से अगर आलू तलेंगे ना तो आपका मतलब वैसे ही खुशबू और वैसे ही टेस्ट रहेगा समोसे का, जैसे हम लोग बाहर के समोसे खाते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी डाल दिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा डाल दिए एक चम्मच खटाई मसाला, खटाई मसाला थोड़ा ज़्यादा कर दिए हैं। अब बच्चों का कहना था कि माँ थोड़ा कड़ुआ ही बनाना, तो यहाँ पर हमने समोसे बना करके कर लिए। अब ना 1:30 बज रहे हैं और हम सोच रहे हैं पहले लोग आएंगे तो थोड़ी थोड़ी इन लोगों को दाल चावल खिला देंगे। ये करते धरते ना तो 3:30 बजे तक इनका सब ये रेडी कर देंगे, क्योंकि 4 बजे ना फिर कोचिंग जाते हैं, तो जब कोचिंग जाएंगे ना तो खा पी करके ही जाएंगे, इसलिए आराम से हम लग गए हैं। और हमको ना अगर हड़बड़ी ना हुई ना तो आराम से इस तरह के हम काम करते रहते। वैसे भी ना हम अपनी बहनों से कहेंगे हमको कुकिंग का काम करना बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा टाइम होना चाहिए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वैसे सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म समोसे बन करके तैयार हैं। और समोसा बनाने के लिए ना तो जैसे वो सांचा है ना तो सांचे के अनुसार से हमको बेलना पड़ता है, थोड़ा सा लंबी हम पूड़ियाँ बेल रहे हैं और इतने समोसे फूल रहे हैं देख सकते हैं। हमने तो इतना इतना आलू भी इनके अंदर किया है फिर भी बहुत ही समोसे। अब वाकई ही बच्चों ने खाने के बाद ना जब इतना मतलब बोल रहे हैं माँ बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और देखिए हम लोग थोड़ी सी आलस से कर जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें ना बच्चों को हमेशा बना करके खिला सकते हैं। वैसे अपने बच्चों को ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं देना चाहिए, पर हफ्ते में 1-2 दिन तो बना सकते हैं। अब ये लोग भी स्कूल से आ गए हैं और समोसा भी गर्मा गर्म देख करके ना तो बच्चे इतना खुश हो रहे हैं। और देखिए आप लोगों को भी सबको बुला रहे हैं और कह रहे हैं वाकई ही माँ बहुत ही टेस्टी बनाई हो। मनु कह रहा है माँ जब माँ से गुस्सा होकर के स्कूल जाते हैं ना तो हमारा पूरा टाइम अच्छा नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ हमको परेशानी हो जाती है। हमने कहा बेटा देख लिया, इसीलिए कभी अपनी माँ से गुस्सा होकर के स्कूल नहीं जाना चाहिए, बच्चों को हमेशा यही शिक्षा देना चाहिए। तो किचन भी एकदम से हमारा यहाँ क्लीन है, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।